ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक ट्रस्टी राव देवेंद्र सिंह ने बताया कि प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा अनुसार ज्योतिर्लिंग ओंकार जी महाराज कार्तिक सुदी अष्टमी गोपाष्टमी को मालवा भ्रमण के लिए जाते हैं और 15 दिन के लिए मालवा भ्रमण करने के बाद भैरव अष्टमी पर वापस आते हैं। इस बीच मंदिर में सभी पूजाएं संक्षिप्त और सादगी पूर्ण रूप से संपन्न होती है। रात्रि में भगवान को श्रृंगार झूला चौपड़ आदि बिछाना बंद कर दी जाती है। भगवान के जाने के पूर्व मंगलवार को प्रातः गुड़ और आटे की सुकड़ी का नैवेद्य ज्योतिर्लिंग को लगाया गया। सारे मंदिर परिसर में सभी मंदिरों में चोले चढ़ाए गए और श्रृंगार किया गया। पहले ओंकार जी महाराज के पालकी सेवादारों के साथ मालवा जाती थी। निमाड़ और मालवा के गांव में घूमकर जगह जगह पड़ाव डालकर वहां पर भक्तों को भगवान दर्शन देते थे। उसी दौरान कई भक्तों ने ओंकारेश्वर भगवान के लिए खेती की जमीन भी दान दी थी, किंतु अब यह परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। अब पालकी कहीं नहीं जाती, किंतु यह माना जाता है कि ओंकार जी महाराज मालवा गए हैं। ओंकारेश्वर से राकेश पुरोहित की रिपोर्ट।